नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे एएलपी टेक्नीशियन सीवीटी 2 का स्पेशली क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीकात्मक चित्रण। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से आपको दिखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों कि इस चैनल में प्रत्येक दिन 2 वीडियो अपलोड होता है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का इन्वायरमेंटल एजुकेशन, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैनल पे अपलोड हो गया है। प्रोजेक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन व्यू एंड और भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक पे अपलोड होते रहता है, देख सकते हैं। एंड स्पेशली करंट अफेयर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ, 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूँ, जो कि आगामी रेलवे के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें फर्स्ट वीडियो ये है दोस्तों, देख सकते हैं, जनवरी से दिसंबर इस मंथ तक पूरा अपडेटेड वीकली करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण, एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। ये दोनों वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स का टेंशन अगर देख लेते हैं तो टेंशन करंट अफेयर्स का नहीं रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि जो भी अगर कहीं पे वर्कशॉप वगैरह देखते हैं, तो वहां पे कारीगर लोग काम करते हैं उन लोगों को, या फिर इंजीनियर लोग काम करते हैं उन लोगों को, ये जानना जरूरी होता है कि कौन से सिंबल, हर एक ड्राइंग का सिंबल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर सिंबल का नॉलेज नहीं रहेगा दोस्तों, तो ड्राइंग या उत्पादन जो है प्रोडक्शन सही तरीका से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आज उसी से रिलेटेड पूरा 50 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, सरफेस फिनिश का सही प्रतीक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सरफेस फिनिश का सही सिंबल पूछ रहा है दोस्तों, इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में आपको सिलेक्ट करना है सरफेस फिनिश का सही जो है करेक्ट सिंबल कौन सा है। करेक्ट सिंबल सरफेस फिनिश का दोस्तों, सरफेस फिनिश का ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों साइड से 60 डिग्री का एंगल होता है दोस्तों, ये जो फिगर राइट फिगर है, करेक्ट फिगर है सरफेस फिनिश का, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सरफेस फिनिश से बेसिक प्रतीक सिंबल की भुजाएं आधार से कितने डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों ये जो 60 डिग्री का कोण बनाती है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, एंगल बना हुआ है सरफेस फिनिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा रफनेस ग्रेड सिंबल सबसे अधिक फिनिश को बताता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा रफनेस ग्रेड सिंबल जो है सबसे अधिक फिनिश को बताता है। ये जो है दोस्तों N12 जो है, N12 जो है सिंबल जो है सबसे अधिक फिनिश को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नीचे दिए गए सिंबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो सिंबल गिवन है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार नहीं है। ये जो सिंबल है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि अगर किसी सतह से किसी प्रकार का मटेरियल हटाना नहीं हो, अर्थात उस मटेरियल पे मशीनिंग नहीं करना हो, तो बेसिक सिंबल का प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, जो जिसमें हम लोग ये सिंबल को ऐसे घींच करके एक वृत्त का सिंबल दे देते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, जब सतह से मटेरियल हटाना हो तो किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी सतह से मटेरियल हटाने के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है, ये सिंबल को आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे, रफनेस फिनिश के ग्रेड की संख्या कितनी होती है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सरफेस फिनिश, ध्यान दीजिएगा सरफेस फिनिश के ग्रेड की संख्या कितनी होती है। सरफेस फिनिश के ग्रेड की संख्या दोस्तों 10 होती है, 10 होती है, याद कर लीजिएगा। सरफेस फिनिश की इकाई क्या होती है दोस्तों, सरफेस फिनिश की इकाई के बारे में बताते हैं, ये माइक्रोन में जो है इसका नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम रफनेस वैल्यू का सिंबल को चुना जाता है। ये जो चुना जाता है सबसे कम जो दोस्तों बता देना चाहता हूं N1, ठीक है, N1 जो है सबसे कम रफनेस वैल्यू का सिंबल है। 9th नंबर, निम्न में से N7 ग्रेड की रफनेस वैल्यू चुने जाते हैं। N7 ग्रेड की रफनेस वैल्यू दोस्तों 1.6 इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, 1 माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग VVI जितना बार लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन का वैल्यू होता है, बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन का वैल्यू। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे अधिक रफनेस ग्रेड का सिंबल कौन सा है। सबसे अधिक रफनेस ग्रेड का सिंबल दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो सिंबल है सबसे अधिक रफनेस ग्रेड का सिंबल है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जब रफनेस की अधिकतम व न्यूनतम मान को लिखना हो, ध्यान दीजिएगा, जब रफनेस की अधिकतम व न्यूनतम मान को लिखना हो तो किस सिंबल का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो सिंबल है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सिंबल जो है रफनेस की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन, 1.9 रफनेस वैल्यू का मिलीमीटर में मान क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, 0.0019 mm जो होता है 1.9 रेफरेंस वैल्यू का जो है किलोमीटर में वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मान ले कि दिशा मल्टी डायरेक्शनल या सिंबल का प्रयोग करता है, यदि ले कि दिशा मल्टी डायरेक्शनल हो दोस्तों तो कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है एम सिंबल जो है मल्टी डायरेक्शनल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। रेडियल लेग को किस सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है। रेडियल लेग को दोस्तों R द्वारा सूचित किया जाता है। लंबात्मक लेग को किस सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करते हैं, L द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में A का क्या अर्थ है। ये जो A गिवन है दोस्तों इसका क्या अर्थ है। इसको बोला जाता है दोस्तों रफनेस का वैल्यू, इसको बोला जाता है। और यहाँ पे बी जो है दोस्तों ये बता देना चाहता हूं, कोटिंग या उत्पादन विधि का ये वैल्यू यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे डी की बात करते हैं, इसका जो होता है ले की डायरेक्शन होता है। एंड ई का जो इसका जो बोला जाता है दोस्तों मशीनिंग अलाउंस जो है ई से जो है यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, नीचे दिए गए चित्र में ई का क्या अर्थ है। ये जो ई गिवन है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मशीनिंग अलाउंस, ऑलरेडी डिस्कस भी किया, मशीनिंग अलाउंस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 19 नंबर पे आ जाइए, CYC का अर्थ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म मतलब होता है दोस्तों सेंटर टू सेंटर, ऐसे अगर कहीं गिवन है तो इसका मतलब सेंटर टू सेंटर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि सिंबल इस टाइप के अगर गिवन फाइव टाइप के तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो किया जाता है दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये व्यास का जो है सिंबल ऐसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर पे आ जाइए, काउंटर संक के लिए किस संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काउंटर संक के लिए कौन सा संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे CSK के द्वारा इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 22 नंबर, कौन एंगल के लिए किस संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है।
एंगल के लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों, सी का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ग्राइंडिंग को किससे सूचित किया जाता है? ग्राइंडिंग के दोस्तों जी से सूचित किया जाता है, जी फॉर ग्राइंडिंग। मीनिंग को किसके लिए सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एम से, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा। ड्रिलिंग को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? ड्रिलिंग को जो है डी से सूचित किया जाता है। टर्निंग को किससे सूचित किया जाता है? इस जो है इसको जो है टी से सूचित किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, कटिंग सतह की रेखा को किससे सूचित किया जाता है? कटिंग सतह की रेखा को दोस्तों, और ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये जो है डॉटेड लाइन जो है कटिंग सतह की रेखा से सूचित किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चैम्फर्ड का संकेत क्या है? चैम्फर्ड का संकेत की बात करते हैं दोस्तों, CHAMF, ये जो है चैम्फर्ड का शॉर्ट में लिखा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, सेंटर लाइन का संकेत क्या होता है? सेंटर लाइन को किस टाइप से कैसे लिखा जाता है? ये जो है दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CL जो है सेंटर लाइन को सूचित किया जाता है। असेंबली का संकेत क्या होता है? प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। असेंबली को AAY से लिखा जाता है। फिनिश ऑल ओवर का सिंबल क्या है दोस्तों, संकेत क्या है, कैसे लिखा जाता है? ये जो है FAO, फिनिश, ए फॉर ऑल, ओ फॉर ओवर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फॉरगेट स्टील का सिंबल संकेत क्या होता है? ये जो होता है F फॉर फॉरगेट, S फॉर स्केल, यानी FS फॉर फॉरगेट स्टील, ध्यान दीजिएगा फॉरगेट स्टील का सिंबल है FS। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, दिष्ट धारा को किस संकेत से सूचित किया जाता है? दिष्ट धारा को दोस्तों बता देना चाहता हूं ऑप्शन बी, ये जो है कांस्टेंट लाइन, ये जो डायरेक्ट डीसी करंट का जो है सिंबल है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, अब इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा एसी जिसको बोला जाता है, अल्टरनेट करंट, को किस संकेत से सूचित किया जाता है? एसी को दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये इसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये जो है एसी का डायरेक्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। डायोड को किस संकेत से सूचित किया जाता है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीए लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में। डायोड को दोस्तों सूचित किया जाता है, बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये जो सिंबल है दोस्तों डायोड का है, पी एंड एन, पी एन जंक्शन होता है दोस्तों इसमें, ये डायोड का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फ्यूज को किस संकेत से सूचित किया जाता है? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई जितना बार लगाना चाहते हैं उतना बार लगा लीजिए, ये जो है जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, रेलवे में तो एएलपी में बहुत बार ये रिपीट हो गया है, और भी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते रहता है, इसीलिए आप इसे याद कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज का सिंबल ऑप्शन ये हो जाएगा, ये जो सिंबल है दोस्तों ये फ्यूज का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 37 नंबर क्वेश्चन पे, प्रतिरोध को किस संकेत से सूचित किया जाता है? रेजिस्टेंस को किस संकेत से सूचित किया जाता है दोस्तों? बता देना चाहता हूं, ये जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिगजैग टाइप के जो सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 38 नंबर क्वेश्चन, चर प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात हो रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस संकेत द्वारा सूचित किया जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सिंबल पे जो एरो का जो ये लगा हुआ है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी को किस संकेत से सूचित किया जाता है? दोस्तों बता देना चाहता हूं, बैटरी को ये जो सिंबल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो पॉजिटिव का जो सिंबल होता है पॉजिटिव साइड का बड़ा होता है, नेगेटिव का छोटा होता है, ये जो सिंबल है दोस्तों बैटरी का सिंबल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों,
40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। लैंप को किस संकेत से सूचित किया जाता है? अगर किसी फिगर में लैंप दिखाना हो दोस्तों, तो वहां पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिंबल है लैंप बत्ती का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, लाउड स्पीकर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाउड स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सिंबल लाउड स्पीकर का है। कहीं भी अगर फिगर में लाउड स्पीकर दिखाना हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो यहाँ पे इस टाइप का फिगर को यूज किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एंटीना को किस संकेत से सूचित किया जाता है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग VVI लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे जो है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एंटीना का सिंबल, किसी भी सर्किट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम अगर बनाना हो, लेआउट बनाना हो, तो वहां पे एंटीना का सिंबल इस टाइप का दिया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एमीटर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एमीटर आपको पता है, एमीटर सीरीज में लगा जाता है दोस्तों, ठीक है। एमीटर को जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमीटर का सिंबल ये है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एमीटर का सिंबल कहीं भी सर्किट में इस टाइप का दिया जाता है, जो कि सीरीज में लगाया जाता है। आपको याद होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एमीटर को सर्किट में किस टाइप लगाया जाता है, सीरीज या शंट में, तो वहां पे एमीटर सीरीज में लगाया जाता है दोस्तों। उसी तरह से वोल्ट मीटर को किस तरह से सूचित किया जाता है, 44 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए। ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। कहीं भी सर्किट में वोल्ट मीटर अगर लगाना हो दोस्तों, तो ये सिंबल का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर को आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल में लगाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, अर्थ पॉइंट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अर्थ पॉइंट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? अर्थिंग पॉइंट को बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिंबल है अर्थिंग का सिंबल है, कहीं भी अगर डायग्राम में अर्थिंग का सिंबल देना हो, तो ये सिंबल का यूज किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, फॉल्ट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? किसी भी फॉल्ट को जो है दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई चीज अगर फॉल्ट हो, तो वहां पे ये सिंबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, नॉर गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉर गेट का सिंबल पूछ रहा है। ये जो किया जाता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो सिंबल है दोस्तों नॉर गेट का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, नॉर गेट का ये सिंबल है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, नोट गेट को किस सिंबल से सूचित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है नोट गेट। ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सिंबल जो है दोस्तों नोट गेट का सिंबल है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है, एंड गेट का किस संकेत से सूचित किया जाता है? एंड गेट के बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो सिंबल है एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलेंगे, लास्ट तक इस वीडियो को देखने का जरूर कोशिश कीजिए। ये जो सिंबल एंड गेट का सिंबल है। 50 नंबर क्वेश्चन है, और गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? और गेट का कौन सा सिंबल है दोस्तों? और गेट का ये जो सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। ये सिंबल और गेट का याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज जो है हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का पूरा महत्वपूर्ण MCQ देख चुके हैं। इसी टाइप के आपको एग्जाम में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़े होंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जितना जल्द हो सके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाता हूँ, उसका
टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो पीडीएफ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।